सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है, और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था इसलिए शिक्षा हुई है। राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, कि 8 पत्र है ब्रिटिशों को दिए हुए। मैटर ऑफ सावरकर बलात्कारी चकित झालात ना, पण हे खरे आहे आणि हे स्वतः सावरकरांनी बलात्काराची कबुली कोर्टात दिली होती, त्यासाठी त्यांना सजा पण झालेली होती। नमस्कार, आपण पाहत आहात कटुसत्य लाइव न्यूज। अशाच नवनवीन निर्भीड बातम्या पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब शेअर लाईक कमेंट करायला विसरू नका। भारतात सत्य ते असत्य, असत्य ते सत्य असे फारच भावनिक होऊन सांगितले जात असते, कारण इथे खरा इतिहास विरुद्ध खोटा इतिहास अशी लढाई सतत होताना पाहावयास मिळत असते। वादग्रस्त विषयापैकी एक विषय म्हणजे विनायक दामोदर सावरकर वास्तवात यांचा मूळ इतिहास हा वेगळा आहे, मात्र नाहक रंगवून काल्पनिक करून सांगून समाजात वाद कसा पेटत राहील हे संघाच्या विचाराच्या लोकांकडून सातत्याने खतपाणी घातले जाते। विनायक दामोदर सावरकर हे मुळात स्वतंत्रवीर वगैरे काहीच नव्हते, हे सर्वच काल्पनिक आहे। या उलट गांधीच्या खुनात कटासाठी सामील असल्यामुळे एक वर्ष तुरुंगात पण सजा भोगावी लागली होती, हे किती सत्य असत्य आपण पूर्व न्यायाधीश बी जी कोळसे पाटील यांनी या विषयावर प्रकाश टाकताना म्हणाले। बहिणोर भाइयो, जब भी ब्राह्मण आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ हम बात करते हैं तो सब देश में दंगे होते हैं, अशांतता फैलती है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, वो माफी मांगता है, उन्होंने उनके 8 पत्र है ब्रिटिशों को दिए हुए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है, और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था इसलिए शिक्षा हुई है। तो जो भी ब्राह्मण पुरुष की खिलाफ बोलता है तो ये लोग ऐसा ही माहौल उठाते हैं। राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, किसी ने माफी मांगने की जरूरत नहीं। जेल में भी वो उनको कंसेशन दिए थे, उन्होंने माफी मांगी थी इसलिए वो बाहर आए, और हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे दुश्मन हमारे ही राज देश में है। कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए? तो उनके जो बहने हैं, माताएं हैं, जो गरोदर है, उनका पेट फाड़ के उनके बच्चे बाहर निकालना चाहिए और मारना चाहिए। महाराष्ट्रात होत असलेली तफावत पहा। कोश्यारी आणि त्रिवेदी यांनी उघड उघड छत्रपतींचा अपमान केला होता आणि त्यांची पाठराखण देवेंद्र फडणवीस या संघोट्याने केली होती। असाच प्रकार आहे की आम्ही सावरकरांचा अपमान सहन करणार नाहीत, मात्र नसलेला छत्रपतींचा अपमान आम्ही करणार। राहुल गांधी सत्यच आणि वास्तविक बोलले होते, त्या बोलण्याचे सबूत खुलेआम आहेत, त्यावर विषय नसताना नालायक लोकांनी महाराष्ट्रात पार्श्वदंगे करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केले, त्यात अग्रभागी अंधभक्ती करणारे संगीत चाटाळे लोक पुढे होते। मात्र या उलट शिवरायाच्या नावावर आमदार खासदार झालेले निसारामखोर महाराष्ट्रातील गद्दार 50 खोक्यात विकले गेलेले अनपलट पोरी मवाली नेते भाजपाचे पाय चाटत छत्रपतींचा अपमान घेऊन आपली चमडी वाचविण्यासाठी तोंडात घेऊन गप्प होते। ये उनकी फिलॉसॉफी थी, आयडियोलॉजी थी। सावरकर जैसा नतद्रष्ट नेता, बहुजन समाज के देश के विरोध में काम करने वाला नेता, केवल ब्राह्मण है इसलिए उसको अच्छा कहा जाता है, तो हम कितने दिन ये सहेंगे? सावरकर की इतिहास इतना काला है कि वो बोले समुद्र में उड़ी मारी, अरे 10 फुट भी नहीं था किनारा। आप सब बात जानते नहीं, ये झूठ का पतंगड़ बनाते हैं ना। उसको किसी ने स्वतंत्र वीर सावरकर की पदवी दी है, वो खुद ही खुद को वीर कहता है, रात दिन झूठ बोलता है। उनका पीए लिमये करके उन्होंने लिखा है इनके बारे में कि इतना झूठा आदमी कभी देखा नहीं मैंने, उनका पीए लिखता है। हमारे मदन पाटिल है, उन्होंने अकथित सावरकर लिखा है, पढ़ो। और भी कई सावरकर के बारे में किताबें आई है, वो सब कहते हैं कि सावरकर इतना झूठ, नीत, नतद्रष्ट, नीच, नतद्रष्ट आदमी कोई नहीं था, इसलिए इसके ऊपर बवाल मत करो। ये ऐसा होता है, कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने देश के इकोनॉमी पर, देश के साथ जो धोखा हुआ उसके ऊपर भाषण किया, लेकिन उसके ऊपर पानी फिरने के लिए सावरकर बाहर लाया है। सावरकर के बारे में किसी ने बोलने की, बिल्कुल खिलाफ बोलने में कोई भी, किसी ने भी डरने की जरूरत नहीं।
सावरकर के या और किसी, टिळक खुद कहते थे हमें इंग्रज चाहिए, गोलबाग चाहते थे हम इंग्रज चाहिए, संविधान जहरीला है, संविधान जहरीला बीज है, तो हम किसकी परवाह करेंगे। तो मैं आपको विनती करता हूं कि सावरकर के खिलाफ कितना भी बोले तो कम है। जय भारत। बलात्कारीला बलात्कारी नाही तर विरकुठल्या आधारावर म्हणावे असा प्रश्न चिकित्सक लोकशाही प्रेमींना पडल्याशिवाय राहत नाही। कटुस्त लाइव न्यूज ब्युरो मुंबई।